इंसानी तारीख में आज तक टोटल 12 लोग ही चांद पर कदम रखने में कामयाब हुए हैं। इंसान जो एक लंबे टाइम से चांद पर अपना अड्डा बनाने का ख्वाब देख रहा है, आज तक ऐसा हो नहीं सका। तो क्या हुआ अगर इंसान ने अड्डा नहीं बनाया तो? जमीन की एक और मखलूक ने तो बना ही लिया है। अब वो वहाँ पर जिंदा है या नहीं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दरअसल 2019 में इसराइल ने बेरशित नामी मिशन चांद पर भेजा था और इस मिशन के जरिए वहाँ पर टार्डिग्रेड्स भी भेजे गए थे। जी हाँ, वही टार्डिग्रेड्स जो कि -200 सेंटीग्रेड की शदीद सर्दी में भी रह सकते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद गर्मी में भी रह सकते हैं, चाहे आप उसे हिमालय की चोटी पर ले जाएं, समंदर की गहराई में ले जाएं, हिरोशिमा पे फेंक दें, आतिशबाजी के अंदर ही डाल दें, कॉस्मिक रेडिएशन तक में वो जिंदा रह सकता है। और तो और, टार्डिग्रेड स्पेस वैक्यूम में भी जिंदा रहने वाली पहली मखलूक ही तो है। अब मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी मखलूक होगी भी जो इतनी शदीद हालत में भी जिंदा रह सकती हो। लेकिन क्या वाकई टार्डिग्रेड्स चांद पर जिंदा है? और आखिर इसराइल को क्या हुआ था जो चांद पे टार्डिग्रेड्स को भी अपने साथ ले गया? अब जैसा कि हम बार बार एक ही बात को सुनते रहते हैं कि कायनात खतरात की भरमार है, कोई नहीं जानता कि कौन सा खतरा कब आकर जमीन को तबाह कर देगा। और अगर हम अपने वजूद को बचाना चाहते हैं तो हमें इसे जमीन से बाहर दूसरे प्लैनेट्स पे भी लेके जाना होगा। और यही मकसद था आर्क का। आर्क मिशन फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2016 में एस्टैब्लिश की गई थी। इसका मकसद इंसानी नॉलेज को सोलर सिस्टम के हाई टेबल ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर करना है। फरवरी साल 2009 इस फाउंडेशन ने दो इसराइली कंपनी स्पेस IL और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बेरशित नाम का एक मिशन मून पे भेजा था। इस मिशन में दी लूनर लाइब्रेरी टाइम कैप्सूल भी भेजा जा रहा था। इस टाइम कैप्सूल में इंसानों के अलावा बहुत सारे जानवरों के जिन्याती नमूने भी थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये बहुत सारे टार्डिग्रेड से भरा हुआ था। टार्डिग्रेड को वहाँ टून स्टेट्स में भेजा गया था। टून स्टेट्स का मतलब है डिहाइड्रेट स्टेट्स, यानी कि इनके जिस्म से पूरा का पूरा पानी ही सोख कर लिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी हालत में क्यों भेजा जा रहा है? तो इसकी वजह है मेटाबॉलिज्म। अब इतना तो हम जानते ही हैं कि मेटाबॉलिज्म जिस्म के वो प्रोसेस है जिससे हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे जिस्म को एनर्जी मिलती है। तो टार्डिग्रेड का जिस्म पानी के बगैर भी बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है। जब इन्हें पानी नहीं मिलता तो वो अपनी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को 1000 गुना हद तक बढ़ा देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो अपने सर और टांगों को जोड़कर एक बॉल की शेप ले लेते हैं और काफी लंबे अरसे तक इसी तरह से रह सकते हैं। 11 अप्रैल 2019 जब इसका लैंडर को मून पर लैंड कराया जा रहा था तो उस वक्त किसी टेक्निकल एरर की वजह से बेरशित लैंडर अपना बैलेंस ही खो बैठा और वो चांद के करीब ही था जब ये उसका सरफेस से टकरा गया और गिरकर तबाह हो गया। अब नासा की स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो यही बताया गया था कि ये लैंडर तबाह हो गया, तमाम टार्डिग्रेड भी मर गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना लूना लैर उसी जगह से गुजारा था जहां बेरशित लैंडर गिरने का खदशा किया जा रहा। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि इस एक्सीडेंट के बाद भी इस स्पेस कैप्सूल में मौजूद टार्डिग्रेड्स बच गए होंगे क्योंकि टार्डिग्रेड्स को पहले भी स्पेस में छोड़ा गया था और वो वहां पर जिंदा भी रहे थे। तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि अगर कैप्सूल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा तो अब भी टार्डिग्रेड्स बच गए होंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो टार्डिग्रेड्स डिहाइड्रेटेड भी तो थे और वो अब भी उसी हालत में है। कैप्सूल के टूटने की वजह से अब वो टार्डिग्रेड्स मून के सर्विस पे होंगे, लेकिन साइंटिस्ट्स के मुताबिक वो टार्डिग्रेड्स इस हाल में ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ज्यादा लंबे अरसे का मतलब हमेशा जिंदा रहना तो नहीं है ना, उन्हें चांद पर कोई ना कोई पानी का जरिया तो तलाश करना है। और तो और, अब तक की हमारी रिसर्च में ये भी पता चल चुका है कि चांद में कुछ गड़े ऐसे सामने आए हैं जिनमें बर्फ की फॉर्म में पानी है। लेकिन टार्डिग्रेड्स को भी हमारी तरह लिक्विड की पानी की जरूरत होती है। लेकिन अगर टार्डिग्रेड्स को किसी तरह लिक्विड पानी मिल भी जाए तो वो खाना, हवा और नॉर्मल टेम्परेचर के बगैर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेंगे। अब इस मिशन ने न सिर्फ टार्डिग्रेड्स को खतरे में डाला है बल्कि आर्के मिशन फाउंडेशन के फाउंडर नोएस पी विंगडी भी इसकी वजह से मुश्किल में पड़ रहे हैं क्योंकि किसी दूसरे सेल स्टील बॉडी पर ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ी जा सकती जो वहाँ की नेचुरल क्लाइमेट को नुकसान पहुंचा।
क्योंकि टार्डिग्रेड्स तो एक लिविंग थिंग है, माइक्रोजिंसम की कैटेगरी में भी आते हैं, तो वो मून सॉइल को इफेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये न्यूज पूरी दुनिया में फैली तो काफी सारी स्पेस एजेंसीज ने इन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इनकी वजह से मून की मिट्टी को इफेक्ट पड़ा है। लेकिन आखिरकार ये लड़ाई भी खत्म हो ही गई जब नासा ने खुद इसकी सपोर्ट की। नासा के मुताबिक चांद पर इंसानी डीएनए और टार्डिग्रेड भेज कर जो कुछ भी किया गया है वो बिल्कुल लीगल है, क्योंकि इनका मकसद मून को कंटेमिनेट करना नहीं था बल्कि वहाँ की लैब के हालात को समझना, इसको स्टडी करना था। लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि दुनिया की डिफरेंट स्पेस एजेंसीज आउटर स्पेस ट्रीटी वक्तन फवक्तन खिलाफ वर्जी करते ही रहते हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम नासा का सामने आता है। अब जब नासा के अपोलो मिशन चांद पर भेजा गया था तो उस वक्त के सारे एस्ट्रोनॉट्स ने अपना सारा वेस्टेज थैलियों में भर के वहीं मून पर ही छोड़ दिया था, तो क्या उन सब में कोई बैक्टीरिया नहीं थे, और वो बैक्टीरिया क्या मून के सरफेस पर कोई इफेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये भी बात है कि जब हम जमीन से चांद पर किसी स्पेसशिप को भेजते हैं तो मून पर कोई सैनिटाइजर लेके तो खड़ा नहीं होगा। अगर हम चांद को वाकई में ढूंढना चाहते हैं तो इतनी तो छूट देनी पड़ेगी ना। लेकिन टार्डिग्रेड्स का क्या, क्या वाकई में उन्हें वहाँ मरने के लिए भेजा गया था? लेकिन अब काफी सारी न्यूज तो आ रही है कि साइंटिस्ट जल्द ही वहाँ पर एक और मिशन भेजने वाले हैं जिसका मकसद ही बैरीशेट लैंडर के मलबे को बचाना है, और उसके बाद आर्क मिशन फाउंडेशन आने वाले सालों में चांद के बाद मार्स पर भी इसी किस्म का टाइम कैप्सूल भेजने जा रहा है। और अगर वो इसमें भी कामयाब हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे सोलर सिस्टम तक पहुंच जाएंगे। तो अब आप बताएं, क्या वाकई में इस किस्म के मिशंस होने चाहिए या फिर ये सिर्फ पैसे का ज़िया होता है? और क्या हुआ उन टार्डिग्रेड्स का, क्या वो वाकई में वहाँ पर जिंदा हैं?